सो कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में अब तक दुनिया भर को वैक्सीन का सहारा है। हालांकि धीरे धीरे दवा कंपनियां से निपटने के लिए कैप्सूल और अन्य तरह की दवाएं भी निकाल रही हैं, जिससे कोरोना से जंग में बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है। और ऐसी ही एक दवा है मोलन्यूपिरावीर, जिसे कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन की तरफ से मंजूरी दी गई है। और रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही भारत में भी मोलन्यूपिरावीर को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ। पहले तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस, लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें, थैंक यू। सो फिलहाल ये दवा कैप्सूल के रूप में है, जिसे एडल्ट्स के लिए उपयुक्त और सही करार कर दिया गया है। ये दवा कोरोना के लक्षण को कम करने में कारगर साबित हुई है और इसके कोई नकारात्मक यानी नेगेटिव परिणाम भी नहीं देखने को मिले हैं अभी तक। कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में यह दवा काफी असरदार भी पाई गई थी। सो जर्मन कंपनी मर्क की मोलन्यूपिरावीर के अलावा अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी कुछ दिन पहले ही अपनी एक पिल यानी कैप्सूल पैक्सलोविड को कोरोना के खिलाफ कारगर करार किया था। हालांकि भारत में फिलहाल फाइजर की दवा आने में कुछ समय अभी लग सकता है और इसकी एक वजह यह है कि फाइजर की दवा को अब तक किसी देश की ओर से इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है, यानी किसी भी देश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैप्सूल के असर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में भारत में फाइजर की वैक्सीन के साथ साथ दवा आने में भी काफी समय लग सकता है और उसका अनुमान लगाया जा रहा है। जब वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे भारत में कोरोना के केस कम होंगे, वैसे ही इन दवाओं के आने से आगे किसी लहर के खतरे से बचाव को और मजबूत किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि डॉक्टर के कहना है कि इस टैबलेट को घर पर ही लिया जा सकता है, जब आप क्वारंटीन में हो या आपको लग रहा है कि आपको इतने ज्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। इससे अस्पतालों पर मरीज का बोझ कम होगा और सबसे बड़ा फायदा तो गरीब देशों को होगा। वेल, अगर ये कैप्सूल एंड मेडिसिन कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में काम करती है, देन डेफिनेटली इट विल टर्न आउट टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट और एक बहुत ही बेहतर सोल्यूशन साबित हो सकता है, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का हेल्थ रिलेटेड सेगमेंट पसंद आया, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी हेल्थ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी हेल्थ।